एक जोश मैंने लिया था 300 रुपए का, एंड एक बार रैप करके सुना देता हूँ, एंड ये देख सकते हो आप। एंड इससे क्या साउंड कम हो जाती है। एंड गाइस ये बैंड पाइप फुल बैंड पाइप नहीं है, ये वैसे एक सिंगल बैंड पाइप लिया था मैंने, एंड जो KTM का ओरिजिनल जो बैंड पाइप है ना वहां से मैंने ज्वाइंट कर रखा है। का एक चीज नोटिस करा कि इंजन एंड बहुत ज्यादा हीटिंग होती है, ये जो आप देख रहे हो ना एग्जॉस्ट एयरक्राफ्ट पब्लिक का। सो गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू देन अदर व्लॉग। सो कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप एकदम बढ़िया होंगे एंड बढ़िया होने चाहिए और सभी भाई को जय श्री राम। गाइज आज की व्लॉग की शुरुआत गुड मॉर्निंग से कर रहे हैं, सकते हो आप ये 19 सेक्टर का फ्लाईओवर है। हाँ जी है, हाँ बोलो। ये ASB मोटो ब्लॉगर, हाँ देख लेना। सो गाइस देख सकते हो भैया ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे लोग मिलते रहते हैं। आज का व्लॉग ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक चीज बता दूं मैं अपनी बाइक में लगा रखा है मैंने एग्जॉस्ट, अच्छी सी जगह पे जाएंगे एंड वहां पे सारे डिटेल्स बताएंगे आपको एग्जॉस्ट कितने का डलाया मैंने, एंड एक हफ्ते के बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ उसका रीजन भी बताऊंगा। एंड अभी मैंने डीवी किलर हटा रखा है, जैसे इतनी ज्यादा लाउड हो। अभी मेरे व्लॉग में ना सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि वॉइस की दिक्कत आ रही है, पता है मेरा माइक ना खराब हो गया, माइक का अभी जुगाड़ कर रहा है। तो अभी देख सकते हो कि मेरी वॉइस ठीक आ रही होगी इस व्लॉग में। लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से फटाफट। यार अब रिएक्शन इतने प्यारे प्यारे मिलते हैं ना। लास्ट वीडियो आपने देखी होगी कि माइलेज के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी एंड सिटी माइलेज के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो जो मुझे दे रही थी करंट 34 की एवरेज दे रही थी। प्यार से चलाओगे ना सिटी में भी बहुत अच्छी माइलेज देती है, 38 की माइलेज दे देती है पता है, अगर जैसे लॉन्ग राइड पे जाओगे आप। पहले से ज्यादा इतनी ज्यादा लाउड होगी ना, आपको पता ही होगा जहां में मेरी लोकेशन है वहीं पे जाता हूँ मैं, वीडियोस ज्यादा करके वहीं पे बनाता हूँ एंड वहीं पे जा रहा हूँ मैं। एंड काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि आप भाई वीडियो फोन से बनाते हो तो इतनी क्लियर वॉइस कैसी आती है। मेरे को पता है कि भाई मैंने कितने जुगाड़मेंट के बाद मैंने ये जुगाड़ किया है। अभी बच्चे लोग वहां पे खड़े हैं और रिएक्शन लेते हैं। एग्जॉस्ट का तो मजा ही अलग ही है भाई, सवाल आता है कसम से, फील आता है कि भाई मैं बाइक चला रहा हूँ। हेलो, ये जो यूट्यूब की सक्सेस है ना ये इजीली नहीं मिलती किसी को, सही में बताऊँ तो। अब मेरे को भी खुद इतना टाइम हो गया, एक साल हो गए, बट एक साल में मैंने क्या सीखा मुझे पता है कि मैंने कितने इम्प्रूवमेंट करा अपने पे, पता है। फालतू की वीडियोस मेरे पास बहुत सारी पड़ी है बट नहीं यार ऑडियंस को वो पसंद नहीं आती है, ऑडियंस को कुछ इंटरेस्टिंग चीज पसंद आती है। जैसे मैं अपने वीडियोस में कुछ अपनी बाइक के बारे में बताता हूँ तो ऑडियंस उस चीज़ को सर्च करती है तो जिसमें मेरा रिकमेंड हो जाता है। एंड काफ़ी वीडियोस मेरी पुरानी वाली चली है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है जो मैंने इसके ऊपर बना रखी है अपनी बाइक के ऊपर, तो मेरे चैनल पे देख लेना। लोकेशन है ये एंड काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को, सीट काउल भी लगाने वाला हूँ एंड जो पिलियन पीछे बैठता ना उसको नहीं बैठाऊंगा मैं बिल्कुल भी भाई। हाँ अपना यार दोस्त होगा ना उसको मैं ज़रूर बैठाऊंगा, बट लड़की लड़की को भाई कोई सीन नहीं है। एंड काफ़ी दोस्त लोग मेरे को कहते हैं कि यार तू लड़की के साथ वीडियो बनाया कर। आपने मेरी यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो देखी किसी लड़की के साथ? कोई वीडियो नहीं देखी होगी। एंड गाइस मैं लड़की के साथ मैं बिल्कुल भी वीडियो बनाता नहीं हूँ, एंड जो भी भाई लोग मेरे से पूछते हैं ना कि लड़की के साथ वीडियो बनाया करो, बट नहीं गाइस ना अपनी गर्लफ्रेंड है ना मैं लड़की के साथ बात करता हूँ। हाँ वैसे उसका रीज़न आपको पता ही होगा कि भाई दिल टूटा रहता था उसके बाद, मतलब लड़की के चक्कर में तुम्हारा बाबू भैया पढ़ता नहीं है भाई। गाइस मैं मेहनत छोड़ूंगा नहीं एंड जितना टाइम लगेगा मैं पूरा 100% अपने यूट्यूब चैनल को दूंगा। एंड गॉड से प्रे करो कि यार जो अपनी नीड्स है ना वो पूरी हो जाए। एंड गाइज अब
पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। एंड मैं अभी बाइक का मॉडिफिकेशन भी सोचा था मैंने, बट रुक गया। एंड उसका एक ही रीज़न है कि यार अभी थोड़ा सा मनी प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत सारी परेशानियाँ दिक्कत आती रहती है लाइफ में। एंड जैसे अभी अपनी कुछ लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी चल रही, मेरी जॉब चेंज करी है तो थोड़ा बहुत सेट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। अपना जो भी बजट था जिस हिसाब से मतलब अपनी खर्चा खुर्चा चल रहा था तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, एंड जिस वजह से अब थोड़ा बहुत मुश्किल हो रही है। अभी मैंने हेलमेट भी लेना था तो हेलमेट भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं, एंड मॉडिफिकेशन भी रुक गई है अपनी बाइक की, एंड कुछ भी नहीं करा पा रहा हूँ मैं। देख रहे हो बाइक इतनी ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखता हूँ ना अपनी बाइक को, बट यार काफ़ी दिन से मैं मेंटेन करके नहीं रख रहा हूँ। एंड बात नहीं, बस यार आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, 10K करवाओ यार, 10,000 सब्सक्राइबर कराओ यार, क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, थक गया मैं भाई। एंड यूट्यूब वाला बाबा भाई प्लीज़ अपनी वीडियो को यार कुछ तो वायरल कर दो, कोई तो वीडियो वायरल करो यार, जिससे यार कि मोटिवेट मिले कि भाई आप उनकी वीडियो कोई वायरल हुई है। एंड गाइस जितना हो सके अपनी भाई की वीडियो को एंड तक वॉच किया करो, एंड यार सपोर्ट करो यार, प्लीज़ आशु भाई को सपोर्ट करो। एंड एंड तक वॉच करते हो तो लास्ट यार एक कमेंट भी कर दिया करो, जैसा कमेंट आपके दिमाग में सोचता है ना वैसा कमेंट कर दिया करो प्यारा सा। एंड काफ़ी अच्छा लगता है कि जब यार आप लोग कमेंट करते हो ना तो भाई बहुत अच्छा लगता है। इस वाले व्लॉग में ना 100 कमेंट चाहिए भाई, उसका कम्युनिटी पोस्ट भी डाल रखा था वो आपको जल्दी बताऊंगा, बट इस वीडियो में अगर आपने 100 कमेंट्स कर दिए ना पक्का मैं बता देता हूँ कि सरप्राइज़ क्या होने वाला है। लगा रखा मैंने एग्जॉस्ट एक्रापोविक का, एंड गाइस बीच में मैंने लगा रखा था, फिर से लगा दिया मैंने, क्योंकि मेरे को जाई लाउड एग्जॉस्ट मतलब मेरे को चाहिए था शोर शराबा, तो जिससे यार शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा ही हो गया। एंड गाइस ये जो आप देख रहे हो ना एग्जॉस्ट एक्रापोविक का, एंड गाइस ये सिर्फ एग्जॉस्ट मैंने लिया था 300 रुपये का, ये 1,000 रुपये का, तो गाइस ऑलमोस्ट मेरा 3,500 का मेरा ये एग्जॉस्ट बैंड पाइप था। बैंड पाइप फुल बैंड पाइप नहीं है, ये देखो यहाँ से जॉइन कर रखा है, ये बस एक सिंगल बैंड पाइप लिया था मैंने, एंड जो KTM का ओरिजिनल जो बैंड पाइप है ना वहाँ से मैंने जॉइन कर रखा है। एंड ज़्यादा कुछ नहीं करा मैंने, बेल्डिंग कुछ नहीं करा रही, बिकॉज यार बेल्डिंग से ये होता ना कि आप एक बार लगा देते हो फिर उसके बाद फिक्स। बट एक बात आपको बताना चाहता हूँ मैं गाइस, कि आप बैंड पाइप को बिल्कुल भी यार वो मत कराना, बेल्डिंग मत कराना, कि यार आपको दिक्कत परेशानी आएगी उससे। सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो आपको इंजन पर इफेक्ट पड़ेगा जो भाई 100% पड़ेगा, इसलिए यार टाइम टू टाइम सर्विस कराना अपनी बाइक की। एंड ज़्यादा टाइम तक अपनी बाइक में ये एग्जॉस्ट लगाना, बाइक का एग्जॉस्ट रहता है उसको लगा के रखो, कभी कभी आप उसको भी लगा के रखो, एंड जिससे आपका इंजन सेफ रहे। एंड वही चीज़ें मैं भी कभी कभी लगाता हूँ, हाँ जैसे एक महीना हो गया तो उसके बाद मैं फिर से अपनी बाइक का एग्जॉस्ट लगा देता हूँ। एंड गाइस मैं अपने साथ DB किलर भी लेके आ रखा हूँ, ये आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इसके अंदर रखा हो, एंड ये देख सकते हो आप। एंड इससे क्या साउंड कम हो जाती है, मैं आपको आज सामने प्रूफ दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि इससे साउंड कितनी ज़्यादा कम हो जाती है, बिना DB किलर के साथ कितनी ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट है, कितनी आवाज़ आती है इसकी, अभी साउंड सुना देता हूँ। गाइस वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा बट बहुत ज़्यादा लाउड है। का एक चीज़ नोटिस करा कि इंजन ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लग जाता है, एंड बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है भाई। एंड एक बार रैप करके सुना देता हूँ ये एग्जॉस्ट की आवाज़, आवाज़ कम होगी। एंड थोड़ा सा दूर रहता हूँ, एंड अभी देखता हूँ कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, देख रहे हो, ये देखो ये इसकी हल्की है, एंड ये नेट है तो इसमें नीचे से ऐसे करना है। एंड गाइस DB किलर पता नहीं गुम हो गया था भाई, पता नहीं कहाँ रखा हुआ था मैंने, एंड बड़ी मुश्किल ढूंढने के बाद ये मिला मेरे को। एंड अभी DB किलर के साथ मैं साउंड सुना देता हूँ, वीडियो में थोड़ी सी कम आ रही होगी, उतना ज़्यादा लाउड नहीं है, तो एक बार रैप करके सुना देता हूँ आपको। एंड उसकी साउंड ये देख सकते हो आप, ज़्यादा टाइम तक मत लगाना अपने बाइक में एग्जॉस्ट, फुल सिस्टम मत लगाना। एंड मैंने वही से कनेक्ट कर रखा है कि KTM का जो ओरिजिनल एग्जॉस्ट है, बैंड पाइप से मैंने बैंड पाइप जोड़ रखा है, एंड कभी भी निकाल सकते हो कभी भी लगा सकता हूँ भाई, वही चीज़ है। एंड गाइस यहाँ से खाली हो रखा होगा, आपने देखा होगा अजीब सा लगता है ना, काफ़ी अजीब सा लगता है। एंड गाइस यही वीडियो थी, एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड 7:30 हो गए तो अभी निकलते हैं। एंड गाइस आज की वीडियो कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स कर देना, जो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड सेफ राइड।